करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, उसके बाद होर्न-सोल बच्चों ने हमने पढ़ा था। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट टू, ठीक है, वो पार्ट वन था बच्चों। तो हम आज इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। हमने जैसे बताया था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने बताया था बेटा कैसे रिप्रेजेंट करने की, हमने बोला था NLX, पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ हमने इसे आपको बताया था, जैसे NLX पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया था। तो इसमें हमने बोला था कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, ये प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, इन दैट हमने बच्चा बच्चों बोला था कि ये क्या होता है, ये ऑर्बिटल। और बच्चों हमने ये क्या बोला था कि नंबर ऑफ मेन प्रिंसिपल सब सेल, यू नो, इसको हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ मेन प्रिंसिपल क्या था बच्चों, सब सेल। ये हमने आपको डिटेल क्लास में जब स्टार्टिंग में बताया था पार्ट वन में, तो बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन आज यहाँ एक बार हल्का सा थोड़ा सा रिपीट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे बेटा। तो ये बेटा क्या था, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या था ये, सिंबल ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। अब यहाँ पे बच्चों क्या था, हम या आर सब सेल कहेंगे, सब सेल में हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि SPD एंड क्या है बच्चों, ये F, SPD एंड F, ठीक है। हमने रूल्स भी बता दिया था कि हम इस जब रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में हमने अफबाउ प्रिंसिपल की फिलिंग की थी, इसमें हम अफबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे, होर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स, N+L रूल भी हमने किया था। तो आज बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहे हैं, और सारे रूल्स हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है बच्चों, फील्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसके बेटा बच्चों है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या है बच्चों, ऑफ देयर एनर्जीज। अब जैसे बच्चों जैसे कैसे बढ़ते हैं, हमने ले लिया जैसे हाइड्रोजन, क्या लिया बच्चों यहाँ पे हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन, क्या लिया बच्चों, हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, समझिए यहाँ पे कैसे फिलिंग करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=1। अब हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ से एग्जांपल्स हम शुरू कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यह कह देंगे इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मस्ट बी फिल इन ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी से करेंगे बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका होगा 1s1, क्या होगा बच्चों, 1s1। या हम इसे किस में ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे इस ऑर्बिटल में देखिए हम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम फिलअप करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ले लिया किसका, हमने ले लिया बच्चों हीलियम, किसका ले लिया बच्चों, हमने यहाँ पे ले लिया हीलियम, किसका लिया, हीलियम हो गया बच्चों। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, इसमें बेटा बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितना होगा, 1s2। इसे हम इसमें कैसे ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, एक तो हम बेटा बोलेंगे होर्न्स रूल, पहले हम क्या करेंगे, स्पिन अप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्पिन डाउन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए बच्चों हमको लेना है लिथियम, किसका लेना है बच्चों, ये लिथियम, हमने देखिए लिया क्या, ये लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, Z=3। तब ये बेटा क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो, कितने इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं बच्चों, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन गो टू 1 ऑर्बिटल,
एंड वन इलेक्ट्रॉन गोज टू नेक्स्ट ऑर्बिटल एंड उसे हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल कह सकते हैं, जैसे 2s, ठीक है ना। जैसे हमने क्या लिया कि हम जैसे जेड 1s स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या लेंगे 2s1। अब इसकी फिलिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पे फिलिंग कैसे करेंगे, हमने एक बेटा 1a ऑर्बिटल लिया तो सबसे पहले हमने इसे फिलअप किया और हम इसे फिलअप करते हैं, ठीक है। ये बेटा 1s ऑर्बिटल हो गया आपका, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये बच्चा बेटा हो जाएगा ये 2s ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा ये 2s ऑर्बिटल, चाहे इसे फिलअप करिए इसे के लिए 2s ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है ना, इसे 2s ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी देखिए 1s ऑर्बिटल है, ये भी क्या है बच्चों 1s ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2s ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन गोज टू 1s ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में गया, एंड व्हाइल द रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 1 ऑर्बिटल, यानी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हायर एनर्जी हो जाएगी। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज क्या हो जाएगा, ऐसे 1s1 2s1, राइट। अब आते हैं बेटा बेरिलियम, बेरिलियम क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब देखिए हम आ गए यहाँ बेरिलियम, अब देखिए बच्चों आ गया ये बेरिलियम, बेरिलियम के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा 4। तब इसमें पहले कैसे फिलअप ऑर्बिटल होगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 2s स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसे फिलिंग क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी, इसमें ये हो गया, ऐसे हो गया, और इसमें क्या 1s ऑर्बिटल में 2 भर जाएगा, 2s में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 ऑर्बिटल फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक फोन कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसी तरह हम सारे करते जाएंगे, मान लीजिए हमने किसका ले लिया, कार्बन का ले लिया बच्चों, किसका ले लिया हमने, कार्बन का ले लिया, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 1s स्क्वायर फिलअप करेंगे, फिर क्या करेंगे 2s स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, अब 1s 2s के बाद किसने फिलअप इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा बच्चों, अब ये आ जाएगा 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा, 2p में कितना हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कैसे लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे बच्चों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है यहाँ पे, और ये हो गया 1s, ये हो गया बच्चा 1s हो गया, ये बच्चा हो गया 2s, है ना, और ये बच्चा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे, अब इसमें हमें क्या इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है बेटा, अब हमें यहाँ पर देखिए ऐसे फिलअप करना है, कैसे करेंगे, किसका, कार्बन का। तो कार्बन का हमें हुंड्स रूल को फॉलो करना है, ये नहीं किया कि हम एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बेटा हम इसमें ऐसे फिलअप करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें ऐसे फिलअप, तो कितना हो गया ये 2s, क्योंकि हुंड्स रूल अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि एक ही में मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, ऐसे नहीं करना है, हमने बताया था अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल्स। तो ये 1s हो गया बेटा, इस ऑर्बिटल को पहले फिलअप करेंगे, फिर इस ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे, फिर इस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, सिंगल जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद हम डबलिंग करेंगे, ठीक है ना, जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया है ये बताया हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं जैसे हमने ले लिया, बेटा किसका, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का, तो हमने बताया ही है। अब जैसे हम इसी तरह क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे बेटा, हम फिलअप करते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक सोडियम, सोडियम कितना होता है बेटा, सोडियम है आपका, सोडियम का होगा ये जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। अब इसमें क्या फिलिंग करेंगे हम, लिखेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे बेटा, ये 2p 6, ये क्या हो जाएगा बेटा 3s 1। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इसमें वैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, फिर ये देखिए हमने ले लिया 1s स्क्वायर तो ऐसे फिलअप किया, ये बेटा ले लिया अभी 2s स्क्वायर, सॉरी ये बड़ा बन गया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2s स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए भर लेंगे यहाँ पे 1s हो गया, ये 2s हो गया बेटा, ये बेटा हमें क्या करना है 2p6 भरना है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हम क्या करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखिए फिलिंग ऐसे कर देंगे। अब 3s1 में क्या करेंगे हमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ये फिलअप करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2s 2p हो गया बेटा, ये क्या हो गया 3s। तो इस तरह से हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों क्या करनी है, यहाँ पर हमें ये फिलिंग करनी है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम आते हैं बच्चों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम क्या करेंगे इसको हम फिलअप करते जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपका आ जाता है, अगर जो हमने कर लिया मान लीजिए फास्फोरस का कर लिया, मान लीजिए हमने किसका किया, हमने सल्फर का कर लिया, वैसे भरते फिलअप करते जाएंगे आप, हमने ले लिया बेटा सल्फर, हमने ले लिया सल्फर,
मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर सल्फर, तो ऐसे ही क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का बेटा, होता है ये 16, ये डी इक्वल टू हो गया 16। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ फिलअप करेंगे, ये डी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 16। तो अब यहाँ पे कैसे करना है फिलअप करना है बच्चा, बच्चों ये हो जाएगा 1s² 1s² 2s² 2p6 3s² और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बच्चों 3p4। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे हम करते जाएंगे, है ना। तो अब हम आते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। थोड़ा सा ये तो आप कर लेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं बेटा एक्सेप्शनल एक मिनट, ये होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हम किसमें बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम लेते हैं क्रोमियम का। इसमें क्या होता है क्रोमियम का, मान लीजिए एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=24। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया यहाँ पे, तो ये हम इसका सीधे सीधे करते हैं तो क्या होता है 1s² यानी 24 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s² फिलिंग होगी, ये बच्चों लिखेंगे 2s², फिर बच्चों लिखेंगे 2p6, फिर बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 3s², फिर लिखेंगे यहाँ पे हम 3p6, फिर ये होगा बेटा 4s², फिर होगा बच्चों ये 3d4 हो जाएगा। अब इसमें बेटा हमें थोड़ा सा इसको समझना है, अब मान लीजिए हम इसे भी कर सकते हैं कि 1s², या हम इसे कर सकते हैं 2s², या हम कर सकते हैं बेटा 2p6, या कर सकते हैं बच्चों 3s², ये हो जाएगा बच्चों 3p6, ये हो जाएगा 3d4, ये हो गया 4s², काउंट करिए कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए। तो जो 4s जो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जा रहा है कहाँ पे, 3d वैकेंट ऑर्बिटल में। अब जैसे कैसे कर रहा है थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं कि ये बेटा जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, समझते रहिए, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है बच्चों, ये शिफ्ट हो रहा है टू द वैकेंट, किस ऑर्बिटल में, 3d ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में हो रहा है बच्चों 3d ऑर्बिटल, टू द वैकेंट किस ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल में, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये शिफ्ट हो रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर कह सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, विल बिकम क्या हो रहा है बेटा, मोल सिमेट्रिकल, विल बिकम हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे विल बिकम बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर सिमेट्रिकल, मोर क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिकल, एंड दिस विल बी क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और क्या मिलेगी इसे, एंड दिस विल हमें क्या मिलेगी बच्चों, एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगी यहाँ पे हमें, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिया है इन्होंने, सबसे पहले बताया कि जैसे मान लीजिए हमने 1s² लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पे 2s² लिया, फिर हमने यहाँ पे बच्चों लिया 2p6 लिया, फिर बच्चों हमने ले लिया 3s², फिर बच्चों हमने ले लिया 3p6, फिर बच्चों हमने ले लिया 4s², फिर हमने बेटा यहाँ पर ले लिया 3d4। बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल भी क्या होगा यहाँ पे क्रोमियम का, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल भी क्या होगा बेटा किसका, क्रोमियम का। यहाँ देखिए ये तो आपको दिया हुआ है आता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ऐसे हम इसको फिलअप करेंगे, 1s², 2s² बेटा 2p6 बच्चों, 3s² 3p6 3d5 और ये बच्चा हो जाएगा 4s1, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s1 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3d5 होगा।
सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपर, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, कॉपर का होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हो जाएगा आप कॉपर, इसका कितना हो जाएगा, कॉपर का कितना होता है, जेड इज इक्वल टू हमने ले लिया 29, राइट। तो हम ले लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 ये बेटा हो जाएगा 4s². इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसका देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 ऑर्बिटल्स नॉट सिमेट्रिकल। यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल्स नॉट क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, राइट। शिफ्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी, ये क्या हो जाते हैं, शिफ्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या करता है बच्चों, ये लोअर एनर्जी। अब थोड़ा सा आते हैं, बिल्कुल उसी तरह सेम है कि 4s ऑर्बिटल, यहाँ पर देखिए 4s ऑर्बिटल जो हो रहा है, 4s ऑर्बिटल ध्यान दीजिएगा, 4s ऑर्बिटल क्या है, टू हायर एनर्जी। 3d ऑर्बिटल क्या होता है, 3d ऑर्बिटल बच्चों, 3d ऑर्बिटल विल मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विल मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल क्या होती है बच्चों, स्टेबिलिटी होती है, ये क्या होती है बच्चों, सिमेट्रिकल क्या होती है, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी होती है, सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी होती है, राइट, सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी। एक्चुअल आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, ये देख लो, इसे आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार में नहीं आएगा, समझ में आया, इसे आपको बार बार लिखना होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, एक उसको समझना है, उसको फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये देखिए बेटा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 और ये क्या होगा बच्चों, 4s1 3d10 है, क्या है ये, 3d10, ये हो गया बच्चों 3d10, ठीक है ना, एक मिनट समझ में नहीं आया आपको, 3d बच्चों ये हो गया आपका 3d10, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे, और हमें क्या करना है बच्चों, इसका प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट्स जितने दिए हैं, जैसे हमने तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जितने इसमें दिए हुए हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट का भी निकालिए, नियान का क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, एलुमिनियम का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, सारे क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। एक जैसे मान लीजिए आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे आप तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम एक और बता दें, यहाँ पे मान लीजिए कि 29 बेटा कॉपर दिया है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आगे आपने क्या लिखा है, फूट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा है 29 कॉपर, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं 1s², ये हो जाएगा आर्गन, 29 है ये आर्गन का, इतना हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन का हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 1s², एक मिनट से ऐसे कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ बेटा आपको ऐसे भी कर लेना है, आसान तरीके समझने को बता रहा हूँ,
कि हमने ले लिया, मान लीजिए आपने लिया 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 3d9 हम चाहे तो 4s², और हम इसे चाहे तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, हम आर्गन का लिख सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में हमने यहाँ पर ले लिया आर्गन, ये ले लिख दिया 3d9, ये हो गया बेटा ये 4s². चलिए ठीक है, हम आप आगे प्रैक्टिस करेगा, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको प्रैक्टिस करने की सख्त क्या है ज़रूरत है, ठीक है ना। अब आपको इसमें शुरू से हमने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को क्या करना है, अच्छे से रिविज़न करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप चुप्पे